This is the animal kingdom. Like I before told you that animal kingdom divided into two groups, vertebrates and invertebrates. Birds, vertebrates, वो वाले animals हैं जो उनकी backbone होती है, like birds, उनकी आगे further classes हैं birds, fish, amphibians, reptiles, mammals, ठीक है. And invertebrate are those जिनकी backbones नहीं होती हैं, जैसे कि arthropods, echinoderms, cnidarian, sponges, molluscs and worms. तो इनको इसलिए डिफरेंट क्लासेस में किया गया ताकि के अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स. आर्थोपोड्स में वो होंगे जो उनकी अकॉर्डिंग जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के साथ होंगे एनिमल्स. इकाइनोडर्म्स वो जिनकी बैकबोन नहीं है लेकिन वो सिमिलर फीचर्स रखते होंगे. सो ऑन द मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. इन डिवाइडिंग एनिमल इन टू क्लासेज साइंटिस्ट लुक एट मैनी फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग कि वेदर दे आर वॉर्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड. मतलब ये एनिमल्स वॉर्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं. जो वॉर्म ब्लडेड हैं वो वॉर्म ब्लडेड की क्लासेस में होंगे. हाउ दे गिव बर्थ टू द यंग, वो कैसे यंग वन प्रोड्यूस करते हैं. फिर वेदर दे लिव ऑन लैंड और इन वाटर, वो लैंड में रहते हैं या वाटर में. Whether they have feather, fur, hair or scale. इन चारों की characteristics के accordingly उन्हें classes में divide किया गया है. ये scientific fact. Warm blooded और cold blooded. Warm blooded कौन से होते हैं. Warm blooded animal keep their body temperature the same even when the temperature around them changes. Warm blooded वो animals हैं कि अब वो अपना बॉडी टेम्परेचर उनका चेंज नहीं होता इवन जो भी अराउंड द टेम्परेचर चेंज हो जाए, बेशक गर्म है या सर्द है वो, लेकिन उनका टेम्परेचर बॉडी का वही रहता है. ठीक है, वो अगर पानी में है तो इट डजंट मीन कि वो उनका पानी वाला टेम्परेचर हो जाएगा. जो उनका अपना टेम्परेचर है बॉडी का वो वही रहेगा. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज़ द सेम एज द टेम्परेचर अराउंड देम. लेकिन ऑन द अदर हैंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. अराउंड के सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर वो टेम्परेचर एनिमल्स अडॉप्ट कर लेंगे. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 21. एनिमल सेल. एनिमल सेल सेल से आप प्रीवियस क्लास में आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक. पेज नंबर 21. एनिमल सेल. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. अंडरलाइन दिस लाइन. जितनी चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई हैं. Cells hold all the equipment and information necessary to keep an organism alive. Cells जो है वो सारी information जो organisms की है वो cell में store की जाती है. Each type of cell performs a different function. Cell तीन type के होते हैं और उनके हर cell का different function होता है जो वो perform करता है body में. These are the nerve cell in your brain that receive messages. Nerve cell, underline these nerve cells से start करें. Messages and other that send messages. Nerve cell, ये हमने in the previous topic, in the nervous system, we discussed this cell, nervous cell. ये ब्रेन में होता है दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम द बॉडी एंड देन सेंड टू द अदर बॉडी पार्ट्स. फ्रॉम द बॉडी एंड टू द ब्रेन एंड देन टू द ब्रेन टू द अदर बॉडी पार्ट्स. There are blood cells that carry oxygen around the body and other that protect the body against diseases.
ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसको अंडरलाइन कर लें, अराउंड द बॉडी तक, एंड अदर दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट, एंड अदर दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और ये ब्लड सेल का फंक्शन ये होता है कि इट कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लंग्स से लेते हैं एंड देन पिकअप पासिस थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन अराउंड द बॉडी पम्प आउट थ्रू द अराउंड द बॉडी थ्रू द आर्टरीज एंड अदर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। और दूसरे जो कुछ सेल्स हैं ब्लड, वो बॉडी के अगेंस्ट जो डिजीजेज हैं उनके साथ फाइट बैक करते हैं। एन एनिमल सेल लुक लाइक दिस, एनिमल सेल इस तरह होता है, ये माइक्रोस्कोपिक इनलार्ज किया हुआ है, वैसे सेल बहुत माइन्यूट सा होता है। इसके ये ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, ये दीज आर ऑर्गेनेलिज होते हैं जो स्मॉलर पार्ट विद इन द सेल, सेल के अंदर होते हैं। और ये आउटर जो है दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनेलिज। The main parts of the cell are the nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuole. जो main parts हैं which I told you before, nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuole. The nucleus function क्या है इसका, nucleus का? The nucleus is the control center of the cell. Underline this line. The nucleus is the control center of the cell. The nucleus also control the cell's growth and reproduction. न्यूक्लियस का फंक्शन वो है, ये ऐसा रोल प्ले करता है कि कंट्रोल सेंटर, जैसे आप सिमिलरली आप ऐसे इसको ले सकते हैं कि जहाज़ है और जहाज़ के अंदर पायलट बैठा होता है, पायलट कंट्रोल करता है हर चीज़ को कि सेल के अंदर मतलब कौन सा जो है पैसेंजर आएगा और कौन सा पैसेंजर नहीं आएगा। लाइक न्यूक्लियस बिहेव लाइक दैट पायलट कि कौन सा सेल के अंदर, सेल की ग्रोथ में और सेल के अंदर कौन सा जो है सेल में क्या हो रहा है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि पायलट आपका कर रहा होता है। देन साइटोप्लाज्म हेल्प टू मूव मटीरियल्स अराउंड द सेल एंड आल्सो डिसॉल्व वेस्ट। साइटोप्लाज्म जो है ऑर्गेनेलिज है, ये इसके अंदर होती है, ये सारा जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें ये सारे ऑर्गेनेलिज फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट होता है उसको वो पुश आउट कर रहा होता है, बाहर की तरफ निकालते पुश आउट करता है, जो अगले वैक्यूल में स्टोर होता है और वो उसके थ्रू उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउट सेल से बाहर निकाल देते हैं जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं होता है। द वैक्यूल इज़ अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड। और ये होता है वैक्यूल, ये जो आपको पिंक नज़र आ रहे हैं दीज आर वैक्यूल्स। वैक्यूल का मकसद होता है ये स्पेस होती है जिसमें आपके इज़ अ स्पेस इन द, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं जो कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड, जो फूड वगैरह इसमें स्टोर किया जाता है और जो वेस्ट है जो साइटोप्लाज्म वैक्यूल को देता है वो बाहर की तरफ निकाल देता है, इट गेट रिड ऑफ फ्रॉम द सेल बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल, ठीक है, अंडरलाइन दिस लाइन, वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर, इसको भी अंडरलाइन कर लें, टू द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल, राइट, इट लेट राइट थिंग आउट ऑफ द सेल एंड स्टॉप डेंजरस थिंग्स गेटिंग इन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वो है जो सही चीज़ों को जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के अंदर सेंड कर देते हैं, और जो अंदर
एक्स्ट्रा वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और ऐसे प्रोटीन जो ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सेल के लिए ग्रोथ के में रिक्वायर्ड नहीं होते, वो उसको पुश आउट उस सेल से बाहर सेंड कर देता है और सेल इस तरह फर्दर ग्रो करते हैं। क्योंकि हम आप यू नो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, हमारे हर ऑर्गन जो है वो सेल से बनते हैं। हमारे जी जो आपने हमने प्रीवियस टॉपिक में जितनी ऑर्गन्स पढ़े हैं, जितने सिस्टम्स पढ़े हैं, ये ऑल आर मेड ऑफ द सेल। सबसे जो ये जो छोटे पार्ट जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इनको कहते हैं ऑर्गेनेल्स। द स्मॉलर पार्ट विद इन द सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अंडरलाइन दिस, ठीक है। ऑर्गन्स तो वो हैं जैसे किडनी, स्टमक। ऑर्गेनेल्स वो होती हैं जो ये सेल के अंदर है, लाइक एज आई टोल्ड यू बिफोर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, दीज आर ऑर्गेनेल्स। आई होप इट विल क्लियर टू यू। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दीज टॉपिक। दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर यू विल डू ऑन द कॉपीज। राइट स्टार्ट राइट ओवर हेयर अ यूनिट टू द एनिमल वर्ल्ड पेजेस मेंशन ओवर हेयर टॉपिक वाई क्लासिफिकेशन। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डू साइंटिस्ट क्लासीफाई द एनिमल किंगडम, कैसे एनिमल किंगडम साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया। ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है लाइक दिस, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, उसकी डेफिनेशंस, फिर उसको फर्दर जो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आप ऐसे ही अपनी कॉपी पे इसका काम करेंगे, एनिमल वर्ल्ड का पेजेस 18 to 20 तक का, ठीक है। Now move to the third question. What is the difference between warm-blooded and cold-blooded? Warm-blooded क्या होता है, cold-blooded क्या होता है, जो मैं already explain कर चुकी हूँ। ये उसी तरह column बनाएंगे और answer लिखेंगे। Then turn the next page. एनिमल सेल की हेडिंग देंगे, वर्कशीट है ये। क्वेश्चन वन, व्हाट इज एन एनिमल सेल, व्हाट डज इट डू, क्या करता है एनिमल सेल। दैट होल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन एनिमल अलाइव। सारी इन्फॉर्मेशन रखता है कि न्यूक्लियस एज आई टोल्ड यू कीप द इंफॉर्मेशन के व्हाट गोइंग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ आ रही है कौन सी नहीं, टू कीप एन एनिमल अलाइव, जिंदा रखने के लिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, राइट। ये आपने ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है, ये यहाँ पे तो मैंने बनाया, आपने खुद ये ड्रॉ किया करना है, यू ड्रॉ इट, ठीक है। दिस इज़ योर होम टास्क, आपने ड्रॉ करना है और लेबल करना है लाइक दिस। दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, दिस इज़ अ वैक्यूल, दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग पार्ट। इसके फॉलोइंग पार्ट्स क्या हैं न्यूक्लियस के, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर पार्ट टू, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन है, इट लेट न्यूट्रिएंट्स इन एंड कीप आउट हार्मफुल सब्सटेंस, यहाँ तक। थ्री, साइटोप्लाज्म, इट हेल्प्स द कंपोनेंट फ्लोट्स अराउंड द सेल, सारे जो कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर फ्लोट करती है। वैक्यूल, इट हेल्प टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट, गेट रिड ऑफ वेस्ट। आई होप दिस वर्ड
यू कैन सी वेस्ट है, WASTE वेस्ट, दैट्स ऑल. दिस वर्क शुड बी डन ऑन योर कॉपी. आई होप इट इज क्लियर्ड. होमवर्क आपका यही है कि आपने ये लेबल ड्रॉ और लेबल करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. थैंक यू.